बीजेपी ने एक बार फिर रणनीति में अपनी बाजीगरी साबित की है। जहां जीत के आसार नहीं थे, या कहिए कि हारी बाजी जीतने में बीजेपी ने अपनी मास्टरी हासिल कर ली है। जी हां, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी विपक्ष में बैठी बीजेपी ने पहले राज्यसभा चुनाव और अब विधानसभा चुनाव में कमाल करके दिखाया है। कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना को बीजेपी ने तगड़ा झटका देते हुए 10 में से 5 सीटें जीत ली, जबकि उसके पास केवल 4 सीटें जीतने के लिए वोट थे। कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली और एनसीपी शिवसेना की झोली में 2-2 सीटें आई। 10 जून को राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के नतीजों से एक बार फिर यही संदेश गया है कि देवेंद्र फडणवीस विपक्ष में भले ही हों, पर उनकी चुनावी रणनीति सीएम उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ रही है। ये बैक टू बैक विक्ट्री फडणवीस के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं और लीडरशिप के मनोबल को भी बढ़ाएगी। यहां से महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की जमीन भी हिल सकती है। आइए समझते हैं कि कैसे फडणवीस ने एक ही महीने में 2 बार उद्धव की टीम को सियासी पटकनी दी। 10 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में थे। एमवीए ने 6 उम्मीदवार उतारे थे, तो बीजेपी ने 5 कैंडिडेट खड़े करके चुनाव को रोमांचक बना दिया। दिलचस्प ये रहा कि एमवीए के पास सभी 6 कैंडिडेट को जीतने के लिए नंबर थे, लेकिन वो 1 सीट हार गई, और जबकि 4 सीटें जीत सकने वाली बीजेपी ने 5वीं सीट निकाल ली। ऐसे में साफ संकेत मिले हैं कि बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई है और निर्दलियों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। हर उम्मीदवार को जीतने के लिए 27 वोट की जरूरत थी। कांग्रेस के दलित चेहरे और पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे चुनाव हार गए, जबकि 10वीं सीट के लिए फाइट कांग्रेस के भाई जगताप और बीजेपी के प्रसाद लाड के बीच थी। प्रेफरेंशियल वोट्स की गिनती के बाद लाड और जगताप को निर्वाचित घोषित कर दिया गया और हंडोरे हार गए। इस नतीजे ने एक बार फिर से संकेत दिया है कि उद्धव की गठबंधन सरकार में सभी खुश नहीं है। अंदरखाने कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं। अगर क्रॉस वोटिंग कर वे बीजेपी के उम्मीदवार को जिता सकते हैं, तो आगे उद्धव सरकार पर भी खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। स्टेट बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि पार्टी ने 134 प्रेफरेंशियल वोट हासिल किए। पार्टी के पास 106 विधायक हैं और 7 अन्य विधायकों का समर्थन मिला। इस तरह से बीजेपी के हिसाब से समझें तो 21 वोट एमवीए से टूटकर आए हैं। यह उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बड़ा झटका है और उनकी सरकार में एकजुटता की कमी को भी दर्शाता है। पाटिल ने बीजेपी की जीत का श्रेय फडणवीस को दिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।